नमस्कार साथियों, मैं हूं जसवंत चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जसनाथ क्लासेस। तो सपने वे नहीं होते जो रात को आते हैं, सपने वे होते हैं जो रात को नींद नहीं आने देते हैं। उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए या पूरा करने के लिए आपके पास उसी समय है, क्योंकि उस शिक्षा विभाग ने राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी को संबंधित इस सत्र की जो वार्षिक प्रणाली की परीक्षा है उनसे संबंधित जो भी अपडेट है वो दे दिया है सभी यूनिवर्सिटी को। और आज इस वीडियो में क्या होने वाला है आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही खुशखबरी आपके लिए लेके आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, एक दो बात है जो शिक्षा से संबंधित, तो वो आप पहले याद रखें। राजस्थान के राज्य शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा, जो लगभग हर भर्तियों से संबंधित आपको अपडेट देते रहते हैं। और हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग है उनके जो मंत्री है वो है भंवर सिंह भाटी, और जो अधीनस्थ चयन बोर्ड है राजस्थान का उनके नए जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं हरिप्रसाद जी शर्मा, और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जो भारत सरकार का उनके जो मंत्री है वो है रमेश पोखरियाल जी। और भंवर सिंह भाटी का नाम तो आपने लॉकडाउन में बहुत सुना है, तो इन संबंधित जो नाम है ये जरूर याद रखें, क्योंकि कभी आपको पूछ ले, क्योंकि भंवर सिंह जी भाटी है वो आपको उस शिक्षा से संबंधित लगातार जो अपडेट है वो देते रहेंगे। तो साथियों, जो उच्च शिक्षा विभाग है राजस्थान सरकार का, उस शिक्षा विभाग ने सभी राजस्थान की यूनिवर्सिटी, कोटा ओपन, कोटा यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, एमएलएस यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी को जो वार्षिक प्रणाली की परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम बता दिए हैं कि इस प्रकार से आपको परीक्षाएं आयोजित करनी है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं सारे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग ने, राजस्थान सरकार का जो उच्च शिक्षा विभाग है उन्होंने सभी यूनिवर्सिटी को अपना जो वार्षिक प्रणाली की परीक्षा है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए हैं। तो पहला निर्देश यह है कि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसा बोला है कि क्वेश्चन है वो आपको 60% ही हल करने हैं। वो किस प्रकार करने हैं, अभी जो उच्च शिक्षा विभाग है उन्होंने संबंधित यूनिवर्सिटी को अपडेट दिया है, और यूनिवर्सिटी अलग से आप खुद का एक नोटिफिकेशन निकालेगी, उसमें पता चलेगा कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। अभी सिलेबस के बारे में कोई भी खबर नहीं है, लेकिन ऐसा बोला है कि आपको केवल 60% क्वेश्चन ही हल करने हैं। तो आपका सिलेबस लगभग पूरा होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन किस प्रकार हल करने हैं वो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो है कि आपको 60% क्वेश्चन हल करने हैं। सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके जो 3 घंटे का पेपर का पैटर्न है, 3 घंटे के पैटर्न को 2 घंटे कर दिया है, अर्थात अब आपका जो समय अंतराल होगा परीक्षा का वो केवल 2 घंटे होगा। जो कि लॉकडाउन में परीक्षाएं हुई थी बीएससी फाइनल ईयर की या बीए फाइनल ईयर की हुई थी अंतिम वर्ष की, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं नहीं हुई थी, लेकिन जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी उनका समय भी 2 घंटे था। तो अब इस बार फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का समय है वो केवल 2 घंटे किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आपको भी पता है कि इस साल जो शिक्षण कार्य है वो बहुत ही बाधित हुआ है, इस कारण जो यूनिवर्सिटी है वो लेट स्टार्ट हुई थी, तो इस कारण जो यूनिट की बाध्यता है वो आपकी अब खत्म कर दी जाएगी। जैसे कि मैं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी को टारगेट करके आपको बताऊं, तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर का जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो 75 नंबर का पेपर होता है, उसमें पार्ट ए में जो 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 अंक के वो पूरे करने होते हैं, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन आते हैं 500 ही अथवा में आते हैं, अर्थात 500 ही 5 यूनिट से आते हैं। तो इस बार ऐसा किया जा सकता है, यूनिट की बाध्यता खत्म कर देंगे, अर्थात आप पार्ट बी में 10 क्वेश्चन देंगे और उसमें से कोई भी आप 5 क्वेश्चन करो तो इसमें आप 3 यूनिट कवर करके भी आराम से उस पार्ट में आप पूरे के पूरे अंक ला सकते हो। तो यूनिट की बाध्यता पहली अच्छी बात है कि आपके लिए यूनिट की बाध्यता खत्म कर दी है, और जो पेपर है वो 3 घंटे का समय कम करके 2 घंटे का कर दिया गया है। तो साथियों, एग्जाम कब होंगे उसके बारे में भी इन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जो आपका सिलेबस है वो आपको पूरा आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में संबंधित यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, लेकिन जो क्वेश्चन है वो केवल आपको 60% हल करने हैं, अर्थात वो किस प्रकार करने हैं वो संबंधित यूनिवर्सिटी बताएगी, कोटा ओपन अलग से बताएगी, कोटा अलग यूनिवर्सिटी अलग से बताएगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी अलग से बताएगी, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी अलग से बताएगी, लेकिन जो क्वेश्चन है वो केवल आपको 60% करने हैं, वो किस प्रकार, किस पार्ट में कौन सा क्वेश्चन करना है वो संबंधित यूनिवर्सिटी ही बताएगी। उसका जो अपडेट आता ही मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही उस शिक्षा विभाग ने आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं कि एग्जाम कब होंगे उसके बारे में भी साथ में बताया गया है, तो वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ।
मैं जो ये आपको बता रहा हूँ ये डिस्टेंस से जो कर रहे हैं स्टूडेंट या प्राइवेट स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट सभी के लिए ये नियम लागू होंगे। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं हैं या प्रैक्टिकल है वो 15 अप्रैल से शुरू होंगे और उनके प्रैक्टिकल एग्जाम होने के जस्ट बाद उनके जो थ्योरी एग्जाम है वो होंगे। तो ये बात सुन लीजिए कि प्राइवेट स्टूडेंट के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 15 अप्रैल के बाद होंगे और उसके 15 अप्रैल के जस्ट बाद उनके थ्योरी एग्जाम शुरू होंगे। उसके बाद में जो नियमित स्टूडेंट है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी या राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी के, तो उनके एग्जाम है जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 15 मई से शुरू होंगे। तो ये अब कान खोल के सभी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सुन लें कि अब मात्र अप्रैल का महीना और ये मार्च तो गया और 15 मई के जस्ट बाद आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो बहुत ही कम समय रहा है। तो 15 मई से आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर या बीए सभी के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 15 मई से शुरू होंगे और उससे जस्ट बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होते ही जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम होंगे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट को आपसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से पहले वरीयता दी जाएगी क्योंकि उनको ये एग्जाम पास करने के बाद जल्दी कोई अदर यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को उसी यूनिवर्सिटी में जो अगली क्लास है उसमें बैठना है। लेकिन जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं उनको बीएड का पीटीटी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का एग्जाम देके बीएड भी करनी है या एमएससी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी से करनी है, तो उनको रिजल्ट जल्दी निकालना पड़ेगा उनका और उनके एग्जाम भी जल्दी होंगे। तो सबसे पहले जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं उनको वरीयता दी जाएगी, अर्थात थ्योरी के एग्जाम बीएससी फाइनल ईयर के पहले शुरू होंगे और उसके बाद में जस्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या बीए के जो भी स्टूडेंट हैं उनके जो रेगुलर स्टूडेंट के जो प्रायोगिक एग्जाम है वो 15 मई से शुरू होंगे और लगभग मई में आपके जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के उनके लगभग 7-8 दिन एग्जाम चलते हैं और उसके बाद 7-8 दिन जो संबंधित प्राइवेट कॉलेज है उनके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो लगभग 1 जून से जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम शुरू हो सकते हैं, बीएससी थर्ड ईयर हो या बीए थर्ड ईयर, और उसके जस्ट बाद लगभग 15 जून के जस्ट बाद ही 16-17 जून को जो फर्स्ट ईयर के है बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीएससी सेकंड ईयर के एग्जाम भी होंगे। तो आपके जून में जो थ्योरी के एग्जाम होंगे और मई में आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश में आपको बता दी है कि एग्जाम से संबंधित कि किस कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि कब एग्जाम होंगे, ये मत सोच के बैठिए कि अब हमारे एग्जाम अगस्त सितंबर में होंगे, नहीं, आपके एग्जाम मई में ही स्टार्ट होंगे। और संबंधित दिशा निर्देश मैं अभी आपको टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उससे, किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जसनाथ क्लासेस, उसमें मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, लेकिन उसको आप पूरा पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि 15 मई से ही रेगुलर स्टूडेंट के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और 15 अप्रैल से जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और पहले बीएससी थर्ड ईयर या बीए थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे थ्योरी के जो एग्जाम है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम तीनों कक्षाओं के एक साथ स्टार्ट होंगे और थ्योरी के एग्जाम पहले अंतिम वर्ष के स्टूडेंट के होंगे और अंतिम वर्ष के स्टूडेंट का जो रिजल्ट है 31 जुलाई से पहले पहले आपको जारी करना होगा और उसके बाद में उनको अदर यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना है। तो जो बीएससी या बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनका रिजल्ट अगस्त में भी आ सकता है या सितंबर के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, उनका थोड़ा लेट आएगा, लेकिन बीएससी थर्ड ईयर या बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का रिजल्ट भी इस बार जल्दी आएगा। पिछले जो सत्र था उसमें थोड़ी देरी हो चुकी थी, इस कारण स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याएं आई थी, तो उन समस्याओं को निपटाने के लिए या उन समस्या से दूर होने के लिए इस बार जल्दी रिजल्ट निकाला जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे हैं, या तो कोरोना महामारी के डर के कारण या उनमें ये डर बैठ गया कि अब बहुत ही कम समय है इसके कारण यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे हैं। तो इस कारण जो आपकी यूनिट की बाध्यता को हटा दिया गया है और यूनिट की बाध्यता के हटाने के साथ ही आपका जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें केवल 60% क्वेश्चन आपको हल करने हैं। यदि सिलेबस है वही होगा जो पिछली बार का सिलेबस है, जो 2016 से वही सिलेबस चल रहा है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में, उसमें आपको यदि सिलेबस कम होता है तो आपको उसमें से टॉपिक दिए जाएंगे, लेकिन सिलेबस वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसमें से कुछ टॉपिक हटाए जा सकते हैं। वो कौन से टॉपिक हटाएंगे या कब हटाएंगे उसके बारे में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का जो अपडेट आएगा वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण कुछ खबरें थी। अब एक एक खबर को जल्दी से सुन लीजिए कि आपकी जो यूनिट की बाध्यता है उसको हटा दिया गया है, अर्थात यूनिट से आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सीधे क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद में आपको केवल 60% क्वेश्चन करने हैं, और जो ओपन स्टूडेंट है या प्राइवेट स्टूडेंट है उनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है जो 15 अप्रैल से होंगे और उसके जस्ट बाद उसकी थ्योरी एग्जाम, और रेगुलर स्टूडेंट के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 15 मई से होंगे और
उसके जस्ट बाद अंतिम वर्ष के स्टूडेंट की परीक्षाएं होगी, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो बीएससी या बीए तीनों सालों के एक साथ होंगे, अर्थात 15 मई से होंगे। और जो बीएससी थर्ड ईयर के या बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके जो रिजल्ट है वो 30 जुलाई से पहले आएंगे, और उसके जस्ट बाद सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।